हाय, दिस इज़ यार ग्रेट। आज मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ एक 2.1 इनविल्ड होम थिएटर। इस होम थिएटर का डिज़ाइन मैंने खुद से किया हुआ है, तो इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, बेस भी अच्छा आता है और ट्रेवल के साथ में भी आउटपुट बहुत ही सुंदर है। आइए थोड़ा सा सुना देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक लाइक नहीं किया ना भाई, कर दो यार, बहुत मेहनत लगा है इसे बनाने में। सो वेल गाइज, इसे बनाने के लिए मैं यूज़ किया हूँ 6 mm का MDF बोर्ड। आप प्लाईवुड भी यूज कर सकते हो, लेकिन MDF बोर्ड बहुत ही बेहतरीन होता है साउंड क्वालिटी के मामले में। सबसे पहले 300 x 280 mm के MDF बोर्ड का दो टुकड़ा लेना है, फिर 115 x 275 mm का दो पीस और लेना है, उसके बाद 115 x 280 mm का दो टुकड़ा और लेना है हमें MDF बोर्ड के। अब लेना है 115 x 275 mm का MDF बोर्ड वाला एक पट्टी, और उसमें 4 इंच सबवूफर के लिए मार्क कर लेना है कुछ इस तरह से, और कांटी से मार्क कर लेना है, फिर ड्रिल करके हमें होल कर लेना है सबवूफर के लिए। दो सौ अस्सी बाय 300 mm वाले MDF बोर्ड में मैंने कुछ इस तरह से मार्क कर दिया है स्पीकर और सबवूफर के लिए, और कुछ इतने डिस्टेंस छोड़ करके 115 x 275 mm वाले MDF बोर्ड को हमें फेविकॉल से चिपका लेना है इस पे। फिर 115 x 280 mm वाले बोर्ड को भी हमें इसमें फेविकॉल से चिपका देना है, और रात भर छोड़ देना है इसे सूखने के लिए। गाइज, अगर आपके पास क्लैंप है तो क्लैंप में लगा करके छोड़ देना, अच्छे से सूख जाएगा। सूखने के बाद फेविकॉल और MDF बोर्ड के चूर्ण को मिला करके हमें गैप को भी भर देना है। उसके बाद इसके टॉप वाले पट्टी को भी हमें चिपका देना है, और इस बॉक्स के फ्रंट साइड और बैक साइड में इस तरह के दो छोटे छोटे पट्टी को भी मैं चिपका दिया हूँ, ताकि फ्रंट साइड और बैक साइड के पैनल को लगा सकूँ। इसके पैनल को लगा करके स्मूथ कर लेना है हमें एक्सा ब्लेड से और सैंड पेपर से रगड़ करके। सभी साइड को इक्वल जितना करोगे उतना बेहतरीन लगेगा यह देखने में। बैक साइड के पैनल में 4 स्क्रूज के लिए ड्रिल कर लेना है, फिर हमें बेस पाइप के लिए भी ड्रिल करना है। तो देखिए, यहाँ पर बेस ट्यूब मैं 3D प्रिंटर से प्रिंट किया हूँ कुछ इस तरह से, और इसको ड्रिल करने के लिए मैं कर्व ड्रिल बिट का यूज कर रहा हूँ। फिर हमें फ्रंट साइड के पैनल में 3 इंच के दो स्पीकर, ब्लूटूथ मॉड्यूल, वॉल्यूम और बेस के लिए भी ड्रिल कर लेना है। गाइज, अब हमें लेना है वुड प्राइमर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें, उसके बाद अप्लाई कर देना है इस MDF बोर्ड वाले बॉक्स में। फ्रंट पैनल में ट्विटर स्पीकर मैं लोकल मार्केट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप ओरिजिनल क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का ट्विटर यूज़ कर रहे हो तो कैपेसिटर यूज़ कर लेना स्पेसिफिकेशंस देख करके, कैलकुलेट करके। गाइज, वॉल्यूम, बेस, ब्लूटूथ मॉड्यूल से लेकर एवरीथिंग मैंने बता रखा है। तो आप वायरिंग सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सीख सकते हो।
ट्रांसफार्मर यहाँ यूज कर रहा हूँ मैं 12012 3 एम्पियर का, क्योंकि ये होम थिएटर 20 वाट का होने वाला है मेरा। और इसमें मैं एम्पलीफायर बोर्ड यूज कर रहा हूँ TDA 2030 वाला, 2050 या फिर कोई सा भी यूज कर सकते हो। इस एम्पलीफायर बोर्ड में IC के साथ में हीटसिंक पेस्ट नहीं लगा हुआ था, तो मैं इसमें हीटसिंक पेस्ट लगा करके लगा देता हूँ इसमें, ताकि हीट अच्छे से ट्रांसफर हो सके। और गाइज, इस TDA 2030 का एम्पलीफायर बोर्ड का वायरिंग A to Z मैंने बता रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एकदम बढ़िया से समझाया हूँ, आप वहाँ से जा करके समझ सकते हो। तो इसके वायरिंग्स मैं कर लेता हूँ सारे चीज़ों का। Bluetooth mode paired. फाइनली 2.1 का इनबिल्ड होम थिएटर बनके रेडी हो चुका है, और इसकी साउंड क्वालिटी आपने देखा कितना बढ़िया था। बस मैं मजबूर हूँ, बॉलीवुड म्यूजिक प्ले करके नहीं दिखा सकता है। अगर आप बॉलीवुड म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हो इस होम थिएटर से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया है गाइस साउंड क्वालिटी। आप इसका इनक्लोजर यूज कर सकते हो और बना सकते हो अपने घर पे। सही बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो आई होप ये आपको भी बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।